विषय है। पहली बात तो ये कि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसमें भी ये वृद्धि पीठ पक्ष के अंतर्गत आपकी पूर्ण चंद्रमा हो जाएगी। इस समय पर आज गुरुवार दसवीं हो गई, कल 11 से और 12 13 14 से शनि रवि सोम इन 3 दिनों में बहुत ही पावरफुल चंद्रमा इस समय पर रहेगा। वैसे मंगल लीला में जिस समय सूर्य पर ग्रहण आता है ये चंद्र पर ग्रहण आता है ये राहु और केतु से बनता है। इसलिए रविवार सोमवार और शनिवार इन 3 दिनों के अंदर में आप सभी संपूर्ण महानुभाव के लिए जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष काल का प्रयोग है तो काल सर्प दोष निवारण का विधान रहेगा और आप उसको समझेंगे किस प्रकार से किया जाएगा। शांति विधान तो चले गए, सोलह दिन का शांति विधान रूप में चलेगा लेकिन शांति विधान के साथ में ईद और आपके साथ में इसका विषय आप देख लीजिए। और फिर अभी हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 30-31 और एक नया इतिहास बनेगा, एक नया इतिहास बढ़ा जाएगा। जिन्होंने हर दिन हर पर एक नया इतिहास बनाया, जिन्होंने मात्र 17 वर्ष के अंदर घर त्याग कर दिया, जिन्होंने स्कूल में कदम ही नहीं जमाए बिना विद्यालय गए, जिनके पिता स्वयं एक विद्वान पंडित थे, ऐसे महान विद्वान देवंश जी पंडित के घर में जन्मे, उनसे ही घर के अंदर पढ़ाई अध्ययन किया, इतना अच्छा अध्ययन उनके पिताजी ने कराया कि वो पुत्र कन्हैया लाल होनहार पुत्र 17 वर्ष की उम्र के अंदर में घर परिवार को छोड़ करके चले गए और मात्र 21 वर्ष की उम्र के अंदर में उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, मुनि बन गए, नाम उनका कुंतु सागर, जहां उच्च पदावली के अंदर उनकी दीक्षा हुई। ऐसे महान आचार्य जिन पर पूरा पूरा कोई भक्ति सेवा करती है माता, उनको हमेशा आचार्य भगवान सिर्फ चलते हैं और उनके आगे मनोरथ पर चलती है, ये कई लोगों ने देखा अनुभव किया हुआ है। ऐसे महान आचार्य सर्वदेव जिनके इस पूरे भारत के अंदर में लगभग कम से कम 40 से अधिक आचार्य हैं, अनेक वर्णीय आयता माता है, लगभग 150 से अधिक उनके मुनि संघ है, जहाँ पर कई मुनि संघ लेकर चल रहे हैं, आचार्य संघ लेकर चले गए, पुरातत्व संघ लेकर चले, गणी माता संघ लेकर चल रही है, ऐसे बहुत सारे संत जो नायक हैं, महान नायक हैं और जिनकी 5 दुनिया हो चुकी है। ऐसे ऐसे महान आचार्य भगवान तुम सागर जी गुरुदेव जो गुरु नाम गुरु हैं, आचार्यों के आचार्य हैं, संघ के नायक हैं, ऐसे महान आचार्य का जन्मोत्सव मनाने के लिए सारा संसार इकट्ठा हो रहा है। स्वयं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अनेक अनेक राजनेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अनेक अनेक महान विचारक संत जिनके फॉलोअर्स ही लाखों की संख्या में हैं, ऐसे श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, प्रयाग ब्रह्मा कुमारी की वृद्धि के शिवानी और चितंबर जैन समाज से जो अच्छी पकड़ रखते हैं, जैसे आचार्य विनयदत्त सुरेश महाराज साहब, लोकेश मुनि, शिव मुनि जो पूरे संस्थान स्थान पर समाज के इस वरिष्ठ आचार्यों में आते हैं, वे लोग शिव मुनि, अमर मुनि और भी अनेक आचार्य हैं, दलित प्रभु, चंद्र प्रभु, ये सभी बोला विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज साहब वो भी आ रहे हैं, ऐसे सभी लोग मिलकर के 31 तारीख को आचार्य भगवान को ज्ञानांजलि देंगे और 1 तारीख को हमारे संपूर्ण आचार्य संभव सागर जी, आचार्य श्री पुष्पधर सागर जी और जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, वे सबके सब आचार्य उपाध्याय मुनि गणनी आलिकाएं उसमें इकट्ठे होने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले मौका दिया है श्रावण के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, मंडलों के लिए, अकेले मंडल नहीं, प्रत्येक परिवार इंडिविजुअल हर एक की जिम्मेदारी है कि अपना अपना फॉर्म भरे और स्वयं अपने आप में एक सेना बनाए। मोदी जी कहते हैं कि मैं स्वयं एक सेना हूं, तो आप स्वयं एक सेना, आप ही कमांडर हैं, आप ही वॉलंटियर हैं और आप ही एशियर हैं, तो आप अकेले बल में आर्मी हैं, आप अपने अपने नेतृत्व करने के लिए तैयार रहें और सभी को फॉर्म भरना है। और 30 तारीख का मौका आपको मिला हुआ है, इतना सुंदर मौका आपके लिए आया हुआ है, सवेरे 7 दिनों में मंगल बेला में भगवान का अभिषेक और एक जगह नहीं। मेरा उद्देश्य क्या है कि अभी देखिए आप कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कोरोना का एक नया वर्जन आ गया है जो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए घातक हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है,
तो हमें पहले ही सावचेत हो जाना चाहिए, जहां दवा काम नहीं करती वहां दवा काम करती है। और इसलिए हम लोग उस दिन 75 दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र, 75 दिगंबर जैन मंदिर, 75 ग्रह चक्कर है कम से कम, जबकि हमारे पास नकल अभी 190 ग्रह चक्करों के नाम आ चुके हैं। ये सभी ग्रह चक्करों की मूर्तियां, मंदिर की प्रतिमाएं और वृक्ष की प्रतिमाएं, पता नहीं कौन सी प्रतिमा में कौन सा विषय हो, और ये सब एक साथ में पारस चरण के माध्यम से घर घर में जाएगा, लाखों लोगों के घर में देखा जाएगा, पूरे देश प्रदेश में देखा जाएगा, जूम मीटिंग के माध्यम से देखा जाएगा और यूट्यूब फेसबुक पर लाइव टाइम भी रहेगा। यदि आप उसमें अभिषेक करते मिल गए तो आप दिखाई दे पाओगे, और अभिषेक करोगे तो कैसे दिखाई दे पाओगे। इसलिए अपने ग्रह चक्र को डेकोरेट कीजिए, अच्छा सजाइए, बढ़िया फ्लैक्स लगा लीजिए, अच्छा डेकोरेशन कीजिए, भगवान को अच्छा रखिए, थर्ड पार्ट से अपना अभिषेक कीजिए। और दोपहर में जिनके घर में ग्रह चक्र भी नहीं, उनको दोपहर में 12 से 4 के बीच में उस 30 तारीख की मंगल मुहूर्त में आचार्यों की साक्षी में आपका सक्रियकरण होगा, मंत्रों से आपका सिर से लेकर पैर तक में पूरा क्लीन होगा, पूरा शुद्धि होगी, सक्रियकरण होगा, आपकी प्रतिष्ठा होगी। उसके पश्चात आप 64 वृद्धि का और गंधर्व वाले समूह का मंत्रों के साथ अनुष्ठान आप करेंगे, और उसके बाद हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमको दीक्षा दी है, हमारे जैसे सैकड़ों को दीक्षा दी है, ऐसे महान आचार्य भगवान की आराधना पूजन आप करेंगे। आप महिला मंडल, महिला मंडल के साथ में कीजिए, सिंगल सिंगल कीजिए, विवेक मंडल कीजिए, बालिका मंडल कीजिए, नवयुक्त मंडल कीजिए, सभी को मिलकर के आपको आराधना करनी है। जो तुम्हारे पास में अच्छा से अच्छा दे, हम कहते हैं उत्तम से उत्तम लियो जासो प्रणवी, उत्तम से उत्तम लीजिए, और जितना हम अच्छे से चढ़ाएंगे उतना ही अच्छा पाएंगे, और वही चीज जो आप चढ़ाएंगे बाद में वह आप गरीबों को बांट दीजिए, और उपकार आपका हो जाएगा, एक रिकॉर्ड आपका बन जाएगा, क्योंकि दोपहर 12 से लेकर 5 के बीच में पारस चरण भी रहेगा, निर्माण चरण भी रहेगा, यूट्यूब फेसबुक जो मीटिंग पूरी चलती रहेगी, तो आप संविधान के अंदर करके आचार्य भगवान की आराधना क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हम भगवान नहीं करते, हम बनिए। आचार्य भगवान ने दीक्षा लेकर के 55 सालों में या उनके जीवन के 75 सालों में जो भी प्रकार का मंत्र जाप किया है, चरित्र का पालन किया है, कर्मों की क्षमा के कर्मों का नाश किया है, वो साधना उसका एक छठमांश पुण्य आप 1 अर्घ चढ़ा करके प्राप्त करें, और 75 यदि आप अर्घ चढ़ा दिए तो अमृत महोत्सव है, तो आपका जीवन ही अमृत के समान बन जाएगा। तो अपने जीवन को अमृत बनाने के लिए संपूर्ण परिवार को किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, प्रैक्टिकल तुम्हारे पास फार्म आ चुका है, आपको फार्म आज ही भर देना है, प्रत्येक का फार्म पर्सनल इंडिविजुअल प्रत्येक का फार्म भर के आ जाना चाहिए। ये मत सोचना अरे क्या होगा कैसे होगा, एक दिन पूरा निकालना है। हम लोग किसी टूर पर जाते हैं तो हमारे 3-3 दिन चले जाते हैं, हमें शिखर की यात्रा में जो प्राइवेट बस जाती है, प्राइवेट ट्रेन जाती है, तो प्राइवेट ट्रेन जो जाती है उसका टाइम होता है पहुंचने का, जहां उसके 3 दिन बाद वहां पहुंचती, कई बार बड़ी रहती एक्साइटमेंट, जो रूटीन ट्रेन है वो निकलती बात उसका नंबर मिलता है, पड़े रहते हैं आप कुछ नहीं करते, कहीं टूर पर आप जाते फॉरन में महीने भर निकाल के आ जाते हैं, हमें सोचते कितना घंटा लगेगा, भगवान की पूजा भी सोचते इतना घंटा लगेगा, नहीं कुछ नहीं सोचना है, और समय निकाल के 30 तारीख को आपका दिन है, खूब भक्ति कर लीजिए, खूब आराधना पूर्ण कर लीजिए, और आप भी कीजिए, और आप जरा संसार दीजिएगा, आपकी पीढ़ी देगी कि हमारे माता ने, हमारे पिता ने, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने इस तरह की पूजा आराधना की, और उसके पश्चात 21 तारीख को सुनना है, और 1 तारीख को सुनना है, उसमें भी 21 अभिषेक रहेगा, और साथ में दोपहर का कार्यक्रम रहेगा। मेरा सबको विशेष आह्वान है, यदि आप मुझे कुछ ही मानते हैं तो मेरा आपको डायरेक्ट आमंत्रण निमंत्रण है, अकेले मेरा नहीं है, हम संपूर्ण आचार्यों का आपको निमंत्रण है, उन्होंने मुझे कहा है कि ये सबको बोलो जाकर, तो जो मेरे सामने है मैं सबको डायरेक्ट निमंत्रण दे रहा हूँ, इससे बड़ा कार्ड और कुछ नहीं हो सकता। एक आचार्य आपको स्वयं प्रेषित करे, आपको आह्वान करे, फिर सारे काम छोड़ करके आपको ले जाना चाहिए। अभी मेरे जितने भक्त हैं, चाहे बाराबंकी में हो, दिल्ली में हो, बड़ौद में हो, पटन, नागपुर, देवल का राजा, औरंगाबाद, चित्री, जहां भी मैं गया हूँ चतुर्मास करने के लिए, मैंने कार्यक्रम कराए हैं बड़नगर इंदौर आदि में, तो नहीं भी सूत्र अपनाया था कि खाता ना बही जो गुरुदेव ने कहा वो, बस ये सूत्र था। ऐसे ही आप अभी अपना लीजिए, ना खाता ना बही जो आचरण ने कहा वो से, यदि हम बुला रहे तो आप आइए और गुरुदेव का आशीर्वाद पाइए। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, और उसके पश्चात हम
चलेंगे भक्तांबर स्तोत्र का अर्थ समझने के लिए और भक्तांबर का पाठ करेंगे। भक्तांबर का रहस्य